नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा सातवीं के गणित में पाठ छह घातांक का प्रश्न संग्रह 28 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 28। ये दिया गया प्रश्न संग्रह 28, उसमें से पहला प्रश्न है सरल रूप दो। तो इसके पहले देखो हम लोग ने गुणा देखा था, तो गुणा में हम लोग क्या करते थे, सेम आधार रहता था तो उसके घातांक को जोड़ते थे। अब यहाँ पे भाग दिया गया है और सेम आधार रहेगा तो घातांक को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे पहले पे क्या दिया गया, ए का घात 6 भागे ए का घात 4। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का आधार सेम है, तो यहाँ पे ए लिख दिया और भाग दिया गया ना, तो भाग में हम लोग क्या करते हैं, घातांक को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए पे घाते 2, इसका उत्तर आएगा ए पे घाते 2। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, वही दिया गया देखो, यम पे घाते 5 भागे यम पे घाते 8। तो यहाँ पे भी देखोगे दोनों का आधार सेम है, तो यम लिख दिया और घात को क्या करोगे, घटा दोगे, तो 5 में से 8 गया जाएगा तो कितना आ जाएगा, एम पे घाते -3। तो वो 5 में से 8 जाएगा तो -3 आता है, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, पी पे घाते 3 भागे पी पे घाते 13। तो इसमें भी देखोगे दोनों का आधार सेम है, तो पी वैसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 13। 3 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -10 आएगा, ये आएगा इसका उत्तर, पी घाते -10। देखो 3 में से 13 नहीं जा रहा, 13 में से 3 घटाओगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दोगे। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, एक्स का घाते 10 भागे एक्स का घाते 10, ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो दोनों का आधार सेम है, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 10, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का पावर 0। कभी भी याद रखना कि अगर किसी का भी पावर, किसी का भी घात अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, वो 1 होगा। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमको मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखो पहले प्रश्न में दिया गया -7 - 12 भागे -7 - 12, तो ये हो जाएगा -7 - 7, आधार सेम है और घात क्या हो जाएगा 12 - 12, ये हो जाएगा -7 - 0। तो अब भी मैंने बताया कि किसी का भी घात अगर 0 है तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं, इसमें क्या दिया गया है, 7 - 5 भागे 7 - 3, ये हो जाएगा दोनों का आधार सेम है और यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3, ये हो जाएगा 7 का वर्ग बन गया। देखो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मान ज्ञात करो, मतलब ये 7 का 2 बार, तो 7 × 7, 7 × 7 कितना होता है, 49, इसका उत्तर आएगा 49। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, 4 / 5 / 3 भागे 4 / 5 / 2, इस तरीके का दिया गया। तो यहाँ पे देखोगे दोनों का आधार तो सेम है, 4 / 5 सेम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 - 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 / 5 / 1। जब किसी का भी घात 1 होता है तो वही संख्या होती है, उसको एक ही बार लिखना है, तो इसका उत्तर आएगा 4 / 5। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, 4 / 7 / 4 / 5, ये हो जाएगा दोनों का आधार सेम है तो 4 हो जाएगा, 7 - 5, 7 - 5 कितना होता है, 2 हो जाएगा, तो 4 / 2 हो गया, इसका मतलब 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 × 6 = 16, इसका उत्तर आएगा 16। सो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 28 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 28 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।